नमस्कार। टेंथ क्लास में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ चल रहा था। व्याख्या का भाग पूरा हो चुका है। समयाभाव में प्रश्नोत्तर पर चर्चा छूट गई थी। आज मैं प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहा हूं और जहां कठिनाई लगेगी वहां मैं बोर्ड पर उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्रश्न नंबर एक है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो बच्चों देखिए, देवदार वृक्ष सबसे विशाल वृक्षों में से होता है और उसकी छाया बहुत लंबी होती है, बहुत चौड़ी, बहुत दूर के क्षेत्रफल को उसकी परिधि छाया की बहुत बड़ी होती है। तो फादर कामिल बुलके का व्यक्तित्व देवदार वृक्ष की भांति था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से देवदार शेष वृक्षों से ज्यादा लंबा और ज्यादा परिधि की छाया लिए होता है और उसके नीचे जाने पर, उसके आश्रय में जाने पर लोगों को शीतलता प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह से फादर कामिल बुलके का व्यक्तित्व था जो और लोगों से बड़ा विशाल, बड़ा दिव्य था और उनकी परिधि में रहने वाले लोगों को आनंद की प्राप्ति होती थी, मार्गदर्शन मिलता था। इसलिए लेखक ने कहा कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। फादर बुलके भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। फादर बुलके भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आप कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर इस बात को आप कह सकते हैं? तो देखिए, यद्यपि फादर कामिल बुलके विदेशी मूल के थे, फिर भी जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत में, भारत की भाषा में अध्ययन करना शुरू किया। एक दूसरा, भारतीय लोगों के जो हृदय सम्राट हैं ऐसे भगवान श्री राम जी पर उन्होंने शोध कार्य किया। दूसरी विषय, तीसरी विषय है कि फादर कामिल बुलके भारत के जन सामान्य की भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इस नाते उन्हें अनेक बार झुंझुलाते हुए, दुख व्यक्त करते हुए देखा गया है कि भारत जो है, भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। तो इन्हीं आधारों पर फादर बुलके भारतीय संस्कृत का एक अभिन्न अंग स्थापित हो गए। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुलके का हिंदी प्रेम प्रकट हुआ। तो यह भी प्रश्न लगभग वैसे ही है। फादर में आए, क्षमा कीजिएगा, पाठ में आए वे प्रसंग निम्नलिखित हैं जिनसे फादर कामिल बुलके का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। नंबर एक, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। नंबर दो, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पीड़ा हर मंच पर दिखाई देती थी और कभी कभी उन्हें झुंझलाते भी देखा गया है और यह कहते हुए भी सुना गया है कि हिंदी वालों ने ही हिंदी को, हिंदी के पतन का कारण हिंदी वाले। नंबर तीन, उन्होंने हिंदी भाषा में ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया, साथ ही शोध प्रबंध भी हिंदी भाषा में ही किया। तो इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुलके का हिंदी प्रेम इन प्रसंगों में प्रकट होता है। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुलके की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर फादर कामिल बुलके की बड़ी दिव्य छवि उभरती है।
विदेशी मूल के रहने वाले इंजीनियरिंग जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा जो उस समय किसी के लिए भी असंभव था, बहुत हजार 10,000 लोग में कोई एक बीटेक करता था उस समय, ऐसी शिक्षा अंतिम चरण में छोड़ करके भारत में सेवा करने आए। यहां पर रह करके उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों से प्रेम पूर्वक मिले, संबंध बनाया, कभी तोड़ा नहीं। लेखक ने कहा कि उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था, उनसे मिलना करुणा के करुण जल में स्नान करने जैसा था, उनको याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। तो इस प्रकार से फादर कामिल बुल्के का बड़ा दिव्य व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि जो मानवीय करुणा के मानदंड है, बिंदुएं हैं, प्रेम, स्नेह, ममता, दया, करुणा, ये सब उनमें चरम और परम पर थी। यही कारण है कि फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? यह सत्य है कि फादर कामिल बुल्के सन्यासी थे, लेकिन लेखक खुद कहता है कि मुझे लगता है कि वो मन से सन्यासी, वो संकल्प से सन्यासी थे, आत्मा से सन्यासी नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने जो स्वाभाविक सन्यासी होते हैं उनके गुणों के अतिरिक्त कुछ नए प्रतिमान समाज में स्थापित किए, जैसे जिनसे संबंध बनाया कभी तोड़ा नहीं, प्रेम किया जीवन भर निभाया, लोगों से प्रेम किया जीवन भर निभाया, सबके सुख दुख में आते रहे और सांत्वना भरे मीठे बोल, जादू भरे बोल बोलते रहे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि फादर कामिल बुल्के ने परंपरागत सन्यासी से अलग छवि बनाई। आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय में दो प्रश्न यहां मैंने लिख भी रखे हैं। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हमें आशय लिखना हो तो एक चीज लिखना चाहिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि, प्रस्तुत पंक्ति, ये चीज अगर आप नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा का आशय यह है कि, अब आगे लिखना होगा, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर कामिल बुल्के के अंतिम यात्रा में शामिल हजारों लोगों को गिरने का प्रयास करना स्याही फैलाने जैसा मिथ्या कार्य है, अर्थात वहां उपस्थित सभी अपार जन समूह की आंखों में आंसू थे। दूसरी पंक्ति है, फादर को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि फादर कामिल बुल्के को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से हम जब कोई उदास शांत संगीत यानी सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है, आत्मा दुखी हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के को जब हम याद करते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा मन दुखी हो जाता है। लेखक कहता है हमारा मन दुखी हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए फादर कामिल बुल्के को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। तो अभी भाषा की बात,
देखिए समुच्चय बोधक मैं आपको पढ़ा चुका हूं अव्यय के रूप में, और इन्होंने समुच्चय बोधक छांटने के लिए लिखा है भाषा की बात में। मैं एक बार यहां पर समुच्चय बोधक लिख भी दे रहा हूं और आपको उन्हीं समुच्चय बोधक के आधार पर अव्यय समानाधिकरण और या अथवा किंतु अतः अतएव इसलिए वा एवं फलतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार से व्याधिकरण में कि जो जिसे जब जहां ज्यों यदि अगर तो आज ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, तो तब भी जब वह इलाहाबाद में थे तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब दिल्ली आते थे, तो यहां पर और है। इसी प्रकार से मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि समुच्चय बोधक है, यदि वो रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। ये तीन वाक्य तो मैंने यहां पर बोर्ड पर करके बता दिया, अभी यहां पर लिखा भी है इसको देखना, और आगे के जो समुच्चय बोधक हैं उनको आपको खुद करना होगा। उनके देखो घ है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मी है। तो देखो जो यहां पर जो किसी गहरी तपस्या से जन्मी है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। तो यहां पर लेकिन किंतु परंतु लेकिन भी इसमें आएगा। तो ये प्रश्नोत्तर थे, भाषा अध्ययन का प्रश्न था, पाठ्येतर सक्रियता, फादर बुलके का अंग्रेजी हिंदी कोर्स एक महत्वपूर्ण दिन है, उसे देखिए समझिए। फादर बुलके की तरह ऐसी अनेक विभूतियां हैं जिनकी जन्मभूमि अन्यत्र थी लेकिन कर्मभूमि भारत में है। ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, पहले उनकी सूची बनाइए, जानकारी प्राप्त करिए, और ये गृह कार्य है आज का कि उनका संक्षिप्त परिचय लेकर आइएगा विद्यालय। कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया, उनके बारे में भी बताइए, इसे भी करना है। एक अन्य पहलू यह है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि परिबल क्या है। तो परिमल एक साहित्यिक संस्था थी और जिसमें वहां के सभी साहित्यिक लोग इकट्ठा होते थे जिनकी साहित्यिक अभिरुचि थी, और एक साथ बैठते थे, चर्चाएं करते थे,
अपने उपन्यास, अपनी कहानी, अपनी कविताओं के वहाँ पर समीक्षा होती थी, उसमें सुधार के प्रयास होते थे और वहाँ से लोग जो है साहित्यिक गतिविधियों में शामिल रहते थे। तो यह परिमल एक प्रकार की पूर्णतः साहित्यिक संस्था थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।